रानीबाग के चित्रशिला घाट पर विद्युत शवदाह गृह का काम एक बार फिर से अधर में लटक गया है। यह विद्युत शवदाह गृह का निर्माण कार्य 2,92,00,000 रुपए के बजट के साथ शुरू हुआ था। पहली किस्त 1,16,00,000 रुपए जारी की गई थी, जिससे भट्टी और दूसरे उपकरणों समेत निर्माण कार्य किए गए। इस कार्य को इसी साल पूरा किया जाना था, लेकिन कोरोना काल के दौरान रुकावट आ गई। संक्रमण का संकट कम होने के बाद काम शुरू हुआ और साल खत्म होने के 2 महीने पहले ही बजट की कमी ने एक बार फिर रोक लगा दी। नगर निगम दूसरी किस्त का 1,76,00,000 रुपए मिलने के बाद तेज गति से इसे पूरा करने का दावा कर रहा है। दिसंबर में इस कार्य को करने का लक्ष्य रखा गया था। उधर कार्यदायी संस्था को भी निगम की ओर से नोटिस भेजा गया है, लेकिन अब देखना यह होगा कि आखिर काम कब तक शुरू हो पाएगा। विद्युत शवदाह का काम इसी प्रकार चलता रहा तो लगभग 1.25 महीने में उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। कार्यदायी संस्था को नोटिस जारी कर दिया गया है और अगर फिर भी काम तेजी से नहीं हुआ तो पुनः एक नोटिस उनको जारी किया जाएगा। और जहां तक धनराशि का सवाल है, अभी 1,86,00,000 रुपया आना है, वो अतिशीघ्र ही आने वाला है।